आज बात करेंगे स्पर्म की रेस, ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर विक्की स्पेशली डॉक्टर चड्डा एक फिल्म में ऐसी बातें करते हैं, लोग उस शब्द को सुनकर अक्सर पानी पानी या हैरान हो जाते हैं, आखिर वो शब्द क्या है, और वो है स्पर्म। देखिए दोस्तों, स्पर्म रियल में क्या है, इस कहानी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कभी स्पर्म आता है ग्रिड स्पर्म और कभी स्पर्म आता है, हर प्रकार के स्पर्म होते हैं लेकिन नाम उनके अलग अलग दिए जाते हैं। हमें वैसे तो स्पर्म वर्ड को सुनने में शर्म आ रही होगी या नाम लेते हुए भी शर्म आ रही होगी, लेकिन कई सारी फिल्में आपने देखी होगी और आप भी फिल्म देखते होंगे। पिछली फिल्म में बात हो रही थी स्पर्म डोनेट करने की, लेकिन तब तक एक फिल्म आ गई जो कि है आपकी गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ की जब भी बात करते हैं तो उसमें आपके स्पर्म हो जाते हैं एक्सचेंज। आपने अच्छे से उस फिल्म को देखा होगा, लेकिन लोग सीधा बात करने में कुछ कतराते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन उन वर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश लेगा, एक बार सभी का स्वागत है हड़प्पा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कहीं ना कहीं पुरुष और महिला की, मेल और फीमेल की बात आती है तो स्पर्म है जो पुरुष में बनते हैं और ओवम है वो महिला में बनते हैं, जो सबको पता है। दोस्तों, महिला में एक महीने में एक ही अंडाणु बनता है, जबकि पुरुष में एक बार वीर्य स्खलन के दौरान हजारों करोड़ों संख्या के अंदर है जो भाई आपके स्पर्म निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करनी हो तो एक महिला के अंदर बात करते हैं वयस्क अवस्था के बाद, अक्सर 500 से लगभग 500 या 550 अंडाणु बनते हैं। लेकिन पुरुष के अंदर बात करें तो पुरुष के अंदर क्या होता है कि एक बार वीर्य स्खलन के दौरान, कहने का मतलब है जैसे ही वो 11 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर आता है और उसके अंदर करोड़ों संख्या के अंदर स्पर्म बनते हैं। देखते हैं स्पर्म की आज रेस कहाँ तक जाती है, कौन सा ज़्यादा ताकतवर होता है, क्या उसको मार्ग तय करना पड़ता है। वैसे तो बात करें स्पर्म की रेस कोई लंबी नहीं होती है, लगभग बात करें तो 20 सेंटीमीटर की उनको रेस करनी पड़ती है। ये वर्ड आपको छोटा लग रहा होगा, 20 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है नर के वृषण से जब वो निकलता है तो सीसन मार्ग से आकर उनको जाना होता है अंडवाहिनी तक, फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। भाई जब फेलोपियन ट्यूब तक उसको जाना है, इसका मतलब है उसकी रेस तो 20 सेंटीमीटर ही होगी। जैसे सीसन मार्ग की लंबाई मान लो स्क्रोटम आपका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से लेकर वो सीसन मार्ग से होता हुआ सीधा वो चला जाता है कहाँ, आपके गर्भाशय में, गर्भाशय के बाद वो बात करते हैं तो वो अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का, मतलब स्पर्म और स्पेशली आपके ओवम है, उसका मैच होता है। जब भाई बात उसकी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगा होगा कि क्या वो हजारों करोड़ों सभी के सभी स्पर्म क्या उस ओवम से जाके मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ताकतवर जो स्पर्म होगा उसको, जैसे हम मान सकते हैं कि लगभग आपको 15,000 किलोमीटर जब आपको कोई आदमी पैदल चलता है ना, उतनी बड़ी ताकत से उसको चलना पड़ता है। कई सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जैसे ही मादा शरीर जो योनि है उसमें प्रवेश करते ही वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है वो धीरे धीरे स्पेशली वो चला जाता है कहाँ, अंडवाहिनी नली के अंदर, फेलोपियन ट्यूब, जिसको आप डिम्ब वाहिनी कहते हैं। स्पेशली जो गर्भाशय होता है वो उसको अंडवाहिनी का मार्ग दिखाता है। अक्सर लोग कतराते हैं बात करने में, कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं पोर्न देखना उचित है कि नहीं है, एक मास्टरबेशन की बात आती है, हस्त मैथुन की बात आती है तो भी लोग कन्फ्यूज होते हैं, आखिर ये क्यों। देखो, बात मैं स्पष्ट आपके सामने करना चाहता हूँ, क्या वो मास्टरबेशन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि गलत है, कई सारे लोग कहते हैं कि कई प्रकार की डिजीज होती है। एक जवान पुरुष या लड़की, मेल या फीमेल की बात करते हैं, मैं केवल और केवल मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकृति में, इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के बारे में बात आती है तो कहीं ना कहीं फीमेल और मेल का कॉम्बिनेशन होता है। अर्थात किसी फीमेल के पास पहुंचने के लिए मेल को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं उनका भी संबंध बताया गया है।
तो मेल और फीमेल की बात करने में देखते हैं स्पर्म अपना कहां तक पहुंचा है। आते हैं बात स्पर्म के करते हैं, तो स्पर्म है भाई दोस्तों, जैसे ही मैंने कहा कि 20 सेंटीमीटर की नली होती है, लेकिन उसको लगभग 15,000 किलोमीटर पैदल चलने जितनी रेस लगानी पड़ती है। कई सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो गति करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन फेलोपियन जैसी ट्यूब आती है उसमें ओवम होता है, उस ओवम से टच होते हैं, इसका जो पुछ वाला जो भाग होता है वो हट जाता है और जो आपका ओम होता है उस ओम के चारों ओर कई सारे स्पर्म, हालांकि खूब सारे स्पर्म पहुंचते हैं हजारों करोड़ों संख्या के अंदर, तो वहीं योनि के अंदर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ताकत लगाते 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 वो पहुंच जाते हैं कहाँ, आपके अंडाणु के पास, अंडाणु के चारों ओर उसको घेर लेते हैं। जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो स्पर्म क्या करता है, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो पुछ वाला भाग है पीछे हट जाता है दोस्तों। अब बात करी जाए कि जैसे ही स्पर्म उसके अंदर प्रवेश करा, तुरंत उसके बाहर ओवम के बाहर एक स्पेशल लेयर आ जाती है और वो अदर वाले जो होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको वहीं से उनकी रेस को हारना पड़ता है। कहीं ना कहीं हारना ही पड़ेगा भाई, सब के सब तो जा नहीं सकते हैं, एक ही के साथ एक अंडाणु और एक शुक्राणु का इमेज होगा। तो बात कहीं ना कहीं करें तो स्पर्म की, आखिर लोग यहाँ कतराते हैं। आज हमने इस स्पर्म के बारे में बात करी, इसी प्रकार के रोचक वीडियोस और भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि कहीं ना कहीं मास्टरबेशन की बात आती है, एक युवा की बात आती है, मेल एंड फीमेल की बात आती है, तो कई सारे शोध में देखो लोग भ्रामक बातें करते हैं, गाँव में, ढाणी में, सिटी में, कई संस्थान में बात करते हैं, लेकिन जब साइंस की बात आती है तो मास्टरबेशन कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, एक स्पेशल एनर्जी मिलती है। कहते हैं, कहा जाता है, कहीं शोध में लिखा होता है कि एक हफ्ते में अधिकतम 2 बार आप मास्टरबेशन कर सकते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। क्या ये बात महिलाएं मास्टरबेशन करती है? देखो महिलाएं भी मास्टरबेशन करती है, पुरुष भी मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन लोग ये बात सामने करने से कतराते हैं। तो यहाँ पर जो अपन ने आज बात करी है कि मास्टरबेशन के भी कई फायदे हैं, कहीं ना कहीं सेक्स जो वर्ड आता है ये सीधा नाम लेने में, देखो पर्दे के पीछे सब कुछ होता है, लेकिन ये नाम लेने से लोग कतराते हैं। तो मेरी बात शायद आपके समझ में आ गई होगी कि बातें जो बनी है, जो बात चल रही है, वो बिल्कुल सब सत्य है। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात केवल स्पर्म की रेस की बात करी कि स्पर्म को कितनी रेस लगानी पड़ती है, कितनी इसको ताकत लगानी पड़ती है, जब जाके एक अंडाणु और एक शुक्राणु का मैच होता है और जब एक नए जीव का निर्माण होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।